मैंने देखा है बहुत सारे बाबा आजकल मार्केट में लगे हुए। एक बाबा नया आया है जो भगवान का नंबर बता रहा है, वो कह रहा है भगवान का नंबर है 99 36 तमाम 032, वो बता रहा है भगवान का नंबर है। तो ये लोग धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। एक पंखे वाला बाबा है जो है मार्केट में नए नए बाबा लॉन्च हो रहे हैं वैज्ञानिक जमाने में। ये फालतू की बकवास जो पाखंड की बात करता है, अंधविश्वास की बात करता है, ढोंगी है। और कह रहा दुबई बहुत अच्छी जगह है, दुबई में सुरक्षा है, दुबई सबसे बढ़िया है, तो भारत क्या बेकार लग रहा है। अरे वो दुबई वालों मुल्ला, उसको वही डाल लो, डाल लो उसको, भूतनी के को उसको वही रखो जेल में डाली, नहीं जेल में। कह रहा वहाँ की सुरक्षा बढ़िया है दुबई की, बोले भारत की बदनामी कर रहा, मोदी जी की सुरक्षा कुछ नहीं है, मोदी जी जीरो हो गए तेरे लिए। अबे वो बेपैंदी के लोटे भूतनी के, वहाँ पहुँच के तू वहाँ पे दुबई वालों के। बाबा बागेश्वर को भारत में कोई देश सुरक्षित नहीं लगा, दुबई सबसे सुरक्षित लग रहा है, कह रहे हैं। देखिए क्यों, मैं एक बात आपको बताता हूँ, सुन लीजिए निश्चित तौर पर। बाबा वो भले ही हैं और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा प्रेशर देश के तमाम बाबाओं के ऊपर है, और सच आदमी के मुंह से निकल ही जाता है। तो बाबा बागेश्वर के मुंह से सच निकला। बाबा बागेश्वर ने क्यों नहीं इंडिया का नाम लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि जहां 2975 बेटियों की इज्जत लूट रही है वो कहां से सुरक्षित होगा, जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है वो कहां से सुरक्षित होगा। तो बाबा बागेश्वर ने बिल्कुल सही कहा, और उनको पता है कि यहां रहकर अगर वो बोलते इस बात को तो बीजेपी उनके ऊपर कार्रवाई करती, कुछ ना कुछ कार्रवाई करती। तो आदमी के मुंह से सच निकल जाता है। और जो अध्यात्म का आदमी होगा, जो पूजा पाठ, आप स्वामी प्रेमानंद जी को सुन लीजिए कभी, प्रेमानंद जी महाराज ने साफ कहा और इन जैसे लोगों का पोल खोलने का काम किया कि भैया जो लोग कहते हैं कि ताबीज पहनने से ये हो जाएगा, हाथ में ये पहन लो तो ये हो जाएगा, जो लोगों को भ्रमक फैलाने का काम कर रहे हैं वो आके मेरी किडनी ठीक कर दें, उन्होंने साफ कहा। तो जनता में भ्रम फैलाना बंद करें। हिंदू धर्म सनातन धर्म एक बहुत बड़ा अच्छा धर्म है, जहाँ पर सुन लीजिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, सुन लीजिए उनको वोट दें। अरे मेरी बात सुन लीजिए, राम को कौन लेके आया, राम कहीं खो गए थे, राम अमेरिका में रह रहे थे, उनका किसी ने पासपोर्ट वीजा टिकट कराया। कह रहे करोड़ों की जनता उनकी फैन है, करोड़ों आपके मुंह से ठीक से बोला नहीं जा रहा। आप पकोड़ों की बात करो, जो आपके चाचा ने बोला जनता को बिकवाने की, आप करोड़ों की बात मत करो। दूसरी बात ये कि आपको एक बात बताता हूँ, देश में जो चर्चा है ना बाबा से नहीं चलता है देश, ये देश चलता है संविधान से। और मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए, हमारा जो धर्म है सनातन, जो हमारा धर्म है, मैं कहता हूँ सनातन धर्म के सभी भाइयों को, अपने तमाम भाइयों को, चाहे वो SC ST OBC, मैं कहता हूँ वो बाद में शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय होंगे, सबसे पहले वो हमारे भाई हैं। और मैं बाबा साहब के संविधान के तहत गर्व से कहता हूँ प्राउड टू बी इंडियन, और मुझे गर्व अपने आपको भारतीय कहते हुए। देवकी नंदन हो गए या बाबा बागेश्वर हो गए, कह तो रहे हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा। मैंने देखा है बहुत सारे बाबा आजकल मार्केट में लगे हुए। एक बाबा नया आया है जो भगवान का नंबर बता रहा है, वो कह रहा है भगवान का नंबर है 99 36 तमाम 032, वो बता रहा है भगवान का नंबर है। तो ये लोग धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। एक पंखे वाला बाबा है जो है मार्केट में नए नए बाबा लॉन्च हो। आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। ऐसे लोगों के झांसे में आओगे तो आपका और आपके बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा। सतर्क रहें साहब। हाँ, घोटाले कर करके दुबई में तो पैसे लगाने जा रहा तू। भारत तेरे लिए अच्छा है नहीं, यहाँ सुरक्षित रहनी है। यहाँ के लोगों ने तुझे बाबा बना दिया, अंधभक्तों ने तुझे पहुँचा दिया, उनका धन लेके सारा दुबई में सेट कर रहा है। हाँ, काला धन कह रहे हैं यहाँ की पुलिस व्यवस्था सबसे अच्छी है, यहाँ घूमने आना चाहिए लोगों को। देखो पुलिस व्यवस्था देख लो, मुल्लाओं का वहाँ सारे मुल्ला रहते हैं, वो अच्छे लगे। वही दीदी है इसकी, वही इंशाल्लाह इसका जीजा है, वो रसगुल्ला खिला रहा है वहाँ की, इससे सुरक्षा व्यवस्था। मोदी जी फेल हो गए इसके लिए। अब कह रहा वहाँ की सुरक्षा बढ़िया है दुबई की, बोले भारत की बदनामी कर रहा, मोदी जी की सुरक्षा कुछ नहीं है, मोदी जी जीरो हो गए तेरे लिए। अब वो बेपैंदी के लोटे भूतनी के, वहाँ पहुँच के तू वहाँ पे दुबई वालों के चाटने लगा है, शेखों के, वो कौन सा डॉक्टर शेख अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला खिलाया उसने भी तुझे रसगुल्ला, फिर कर रहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बागेश्वर कह रहे हैं दुबई के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, दुबई के लोग भी वातावरण बड़ा, हाँ मीठा मीठा खिलाया इसको, मीठा हो गया, बहुत बहुत मीठी बातें कर रहा है। यहाँ तो बड़ी मुल्लाओं के खिलाफ बोलता था तू, हिंदू राष्ट्र की वहाँ कौन सा राष्ट्र बना रहा है, वहाँ बनाना हिंदू राष्ट्र, बोल जरा वहाँ हिंदू राष्ट्र बना दुबई में जाके, तेरी औकात तेरी साइड कर देंगे वो, बोलवा के हिंदू राष्ट्र बनाने आया हूँ यहाँ, हिम्मत है तेरी है, फट जाएगी तेरी पूरी 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 फट जाएगी दिमाग की नस। हाँ, दुनिया में शांति की अपील कर रहे, काय की शांति की, ये शांति की अपील, ये भैंसी, ये दरिंदे भगवा के भेष में जो भारत में लड़ाइयाँ करवाता है, ये शांति की भैंस दिया करे। अरे ये इसमें इसके दिल में इतनी नफरत, यहाँ पर दूसरे लोगों के खिलाफ, दूसरी जातियों के खिलाफ, ये भैंसी, इसका गुरु वो जो चमार शब्द करके बोलता था, वो अंधा है, जगत गुरु है, अंधाचार्य, अरे अंधाचार्य, वो भसम चुन्नी डाल के अंदर क्या करता बताओ, आपको भसम कर देंगे सारे। अरे चुन्नी डाल के क्या करता, अंदर चुन्नी डाल देता महिला के ऊपर, अंदर क्या करता पूछ। ये सारे अय्यास हैं, समझे नहीं, बुड्ढे बुड्ढे हो गए मगर अंधा हो गया है, हरकत तेरी सही नहीं है। जयगवार से घूम रहे बागेश्वर बाबा, वो जयगवार पे घूमे, कुत्ते पे घूमे, घोड़े पे घूमे, गाय पे घूमे, सांप पे घूमे, बिच्छू पे घूमे, हमें उससे क्या लेना।
है, ये तो बेकार है देश के लिए। लोगों को आह्वान कर रहा है दुबई आओ, दुबई आओ, दुबई में कौन है? आप भी जाएंगे भाई? इसलिए दुबई बुला रहा है, इसलिए बुला रहा है जो इसका जीजू है ना मुल्ला, अरे इसका जो जीजू मुल्ला है उसका होटल खुलवा रहा है। अच्छा, आप दुबई जाओगे तो उसके जीजू के होटल में ठहरोगे, तो जीजू जो है जहाँ वो जो मुल्ला है जो डॉक्टर अब्दुल्ला है उसने करवाया कारोबार। तो इन्हें कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ से मतलब नहीं है। आप भी जाएंगे? इन्हें तो ये अंधभक्तों को धर्म के नाम पे एक दुकान चला रखी है। ये पाखंडी है, ढोंगी है, मक्कार है, निकम्मा है, नालायक है, काय का चमत्कारी है, बलात्कारी है ऐसे लोग। अरे जो भारत की सभ्यता संस्कृति का बलात्कार कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कैसे लड़कियों का भूत उतार रहे, देखा नहीं आपने? हाँ, भूत इसका उतार देंगे, भूत पहले इसका भूत कहीं ना चमत्कारी है, ढोंगी है, भूत उतार। अरे ढोंगी है मैडम, आपको नहीं पता क्या कैसे उतारते हैं सब? भूत यही बैठा हूँ ऐसे उतार दे भूत। कितनी वायरल हुई देखा? कौन सी वीडियो वायरल से कुछ नहीं, दुकान है मैडम। हाँ तो लाखों लोग अंधभक्ति में लगे ना। अरे उन्हें किससे कहानी सुनने, नाटक नौटंकी सुनने, उसमें लगी है। महिला में बेवकूफ बनाते हैं, अपने घर को नहीं देखते हैं। हाँ। ये अंधविश्वास में पड़े हैं लोग। हाँ। और अंधविश्वास भाई दुबई में तो लोग, मैं कहता रहा हूँ। हाँ। मुसलमानों का बढ़िया लग रहा है इसे, भारत की संस्कृति बेकार है, वहाँ की सुरक्षा है कि पहले लंदन अब दुबई बुलाया, क्या बात हो। अभी तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। हाँ। सऊदी अरब भी जाएगा ये। हाँ। वहाँ पर भी मजे लेगा, वहाँ पर भी देखेगा कोई जीजा मिलेगा इसे तो। जाओ जाओ सब भक्त तो जाओ, समझे? इसके सब जीजा, जीजा ने बनाया इसका वहाँ होटल, उसी होटल में ठहरना, बनाओ टीआरपी बढ़ाओ उसकी। जो राम को लाए उनको वोट दें। किन को? जो राम को लाए। कौन लाया राम को? राम को कौन लाया? कौन लाया? इसका बाप लाया। कौन? मोदी का बाप लाया? मोदी जी लाए। मोदी का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप नहीं ला सकता। हाँ। बकवास करता मोदी। हाँ। पोस्टर काय का पोस्टर से क्या? जो राम को लाए उनको लाए। पोस्टर को क्या लाया? कुछ भी लिख देगा। कल क्या देगा? कृष्ण को लाया, कल शिव को लाया, अल्लाह को लाया, सबको यही लिया। इसको कौन लाया? बाबा बागेश्वर ने भी तो यही कहा है। कौन थे? तो क्या है बागेश्वर? चमत्कारी का चमत्कारी है। पर्ची खोल, अरे पर्ची इसकी खर्ची कर दूंगा, एक कमरे में बंद कर दे मेरे साथ, इसकी पर्ची ठीक कर दूंगा मैं। हाँ। समझे नहीं? हाँ। सारी चाल भाल सब सेट कर दूंगा। ये भाषा रसम ना कहीं निभाले, कहीं आप पहन गए घूंघट से निकल के बाहर आए। हाँ। रसम बना दूंगा इसकी। चमत्कारी बाबा वाईफाई से कनेक्टेड गधा। वाईफाई गधैया हो चाहे गधैया का बाप हो इसका। हाँ। हमें इससे क्या लेना? हाँ। ये सिर्फ वैज्ञानिक जमाने में। हाँ। ये फालतू की बकवास जो पाखंड की बात करता है, अंधविश्वास की बात करता है, ढोंगी है। हाँ। और कह रहा दुबई बहुत अच्छी जगह है, दुबई में सुरक्षा है, दुबई सबसे बढ़िया है, तो भारत क्या बेकार लग रहा है? अरे वो दुबई वालों मुल्ला उसको वहीं डाल लो, डाल लो उसको, भूतनी के को उसको वहीं रखो, जेल में डाली। नहीं जेल में नहीं, वहीं डाल लो। हाँ। इसे वहीं करवाओ प्रवचन कथा जो करा रहे हो। हाँ। वहाँ कर कथा प्रवचन, मतलब भारत ना आए बाबा। ना ना, जब भारत अच्छा ही नहीं लगता उसे, दुबई लग रहा है। हाँ। उसे मीठे मीठे माल खिला रहे, मीठा हो गया वहाँ जाके, मुल्ला मीठा इसको सही कर देंगे। हाँ मजे से कह रहा। हाँ डॉक्टर अब्दुल्ला दे रहे खुल्लम खुल्ला, इसको दे रहे मुँह में रसगुल्ला, और तबीयत से चूस रहा है। अब देखे ना, शेख से मिले थे तो कितने खुश। हाँ शेख ने भी टेक दिया इसके, समझे ढंग से दिमाग पे। कहला आज फालतू बोला ना तो ये हिंगार देंगे। हाँ। तभी तो वहाँ तारीफ कर रहा है। हाँ। अब वहाँ सारे जीजू हैं इसके। अब बाबा अब बहन भी आई है भाई, बहन बहन भाई वो खुद गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। 25 तारीख को जाएगा, उसके बाद वहाँ जाएगा बुर्ज खलीफा, समझे? वहाँ पे भी लिफाफा निकलेगा इसका, वहाँ पे भी जीजा इसको डांस कराएगा, इसको नाचेगा, नाचता देख कर कैसे नाचता है, लुगाइयों की तरह लुगाइयों की तरह ऐसे ऐसे करके नाचता यूं करके। हाँ। बल खा के मेरे को तो आता नहीं, लुगाइयां नाचती हैं, घेर लेता पूरा जैसे क्या यार कृष्ण जी के मुंह में नाचते ना, मर्द लगता ना औरत क्या लगता है नीचे नाचता तो ऐसे लग रहा है। अरे जय सिकंडी, जय सिकंडी नहीं नाचते क्या लग रहा है? दुबई में शादी करेंगे? अरे सिकंडी क्या शादी करेगा? इसके बस की शादी की जरूरत क्या इसकी? सिकंडी है सिकंडियों की शादी होती है। गृहस्थ जीवन तो कर लेगा, कोई मर्द अच्छा मिला तो कर लेगा शादी। कहना क्या चाहते? हाँ क्या आप समझ गई हो तुम? क्या दुबई से कोई लड़की लाएंगे? लड़का लाएगा, लड़का लाएगा कोई, इंशाल्लाह मुल्ला मिलेगा इसको भी। हाँ। हाँ। अरे बाबा फिर वहाँ से करेगा या अल्लाह कोई पता नहीं, वहाँ बुरखा पहन के आया भारत में उतरे। अरे इतना नफरत, मैं तो कह रहा हूँ बुरखा पहन के से पसंद आ गया दुबई।